आज हम पढ़ रहे हैं माइट मॉडल वर्ब के बारे में कि माइट का हम स्पीकिंग में या इंग्लिश में किस तरह से यूज करते हैं और किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, माइट मॉडल वर्ब कैन बी यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, यानी कि माइट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि इम्कानियत के लिए, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई काम होने के भी चांसेस होते हैं और कोई काम ना होने के भी चांसेस होते हैं। तो आप लोग मे का यूज करें या माइट का यूज करें, दोनों एक ही सेंस देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास नंबर 51 एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोना डिस्कस अबाउट माइट मॉडल वर्ब। बट स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं माइट मॉडल वर्ब के बारे में कि माइट का हम स्पीकिंग में या इंग्लिश में किस तरह से यूज करते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, माइट मॉडल वर्ब कैन बी यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, यानी कि माइट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि इम्कानियत के लिए, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई काम होने के भी चांसेस होते हैं और कोई काम ना होने के भी चांसेस होते हैं, तो वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली क्लास में मे का इस्तेमाल पढ़ा था, लेकिन मे के हमने तीन यूजेस पढ़े थे। उन तीन यूजेस में से उसका एक जो यूज था वो फॉर पॉसिबिलिटी भी था। तो आप लोग मे का यूज करें या माइट का यूज करें, दोनों एक ही सेंस देंगे, लेकिन फर्क ये है कि माइट का सिर्फ एक यूज है फॉर पॉसिबिलिटी, लेकिन जो मे मॉडल वर्ब है उसके तीन यूजेस हैं, ठीक है, जैसे कि परमिशन या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट, सेकेंड यूज उसका था फॉर पॉसिबिलिटी, और थर्ड यूज था फॉर ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, राइट। लेकिन माइट मॉडल वर्ब का जो यूज किया जाता है वो सिर्फ पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए यूज किया जाता है। सो वी कैन से दैट दिस वन इज द अल्टरनेटिव ऑफ मे। हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी में ये मे का अल्टरनेटिव है, राइट। तो उर्दू जुमलों में शायद या हो सकता है जैसे अल्फाज आते हैं, यानी कि वो सेंटेंसेस जिनके अंदर शायद या हो सकता है जैसे अल्फाज आ रहे हो, ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे अल्फाज है जो कि इनका नियत को जाहिर कर रहे होते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहे होते हैं, यानी कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम होने के भी चांसेस होते हैं, कोई काम ना होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम माइट का यूज करें, राइट। अब उसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंसेस किस तरह के होंगे, जैसे कि शायद वो कल आपसे मिले, हो सकता है हम ये वाली गाड़ी खरीदे, शायद वो आपको अपनी शादी पर दावत दे, तो इस तरह के बेशुमार सेंटेंसेस बनते हैं, सैकड़ों के हिसाब से सेंटेंसेस बनते हैं। अब वो सेंटेंसेस आपने खुद बनाने, देखिए मैं इतने ज्यादा सेंटेंसेस नहीं बना के दे सकता क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, राइट। सो द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर, आपको अंडरस्टैंड करना है इस स्ट्रक्चर को। इफ यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर then it is not difficult to make the sentences if you have got the vocabulary, यानी कि अगर आप इस structure को समझ लेते हैं तो ये sentences बनाना आपके लिए कोई problem नहीं है, अगर आपके पास vocabulary है या अगर आपके पास अल्फाज हैं तो। तो चलें start करते हैं हम इसके sentences बनाना। So students, हमारे पास पहला sentence है कि शायद वो कल आपसे मिले, यानी कि हो सकता है वो कल आपसे मिले। So first of all we have to look at the subject, सबसे पहले हमने देखना है कि यहां पर सब्जेक्ट कौन है। सो हु इज द सब्जेक्ट हियर, वो, राइट। तो वो यानी कि वो एक लड़का है, शायद वो कल आपसे मिले, राइट। अब वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस से वाज़े समझ नहीं आ रही कि वो लड़का है या लड़की है, तो आप ही या शी दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें, ही या शी, हम दोनों यूज कर लेते हैं। देन आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज माइट। तो यहां पर अब हमने क्या किया, सेकेंड थिंग यूज कर ली माइट। आफ्टर दैट
first form of the verb. Now we have to look at the sentence that what is the verb here. Now we have to look at the sentence and we have to find out that what is the verb here. अब हमने इस sentence को देखना है कि यहाँ पर verb क्या है, काम कौन सा है. तो काम कौन सा करना है, मिलना. शायद वो कल आपसे मिले, तो मिलना यहाँ पर action है या verb है, right? तो मिलना की English क्या होती है, meet. So he might meet या she might meet. अब किससे मिले, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, आप. तो आपकी इंग्लिश क्या है, यू. ही माइट मीट यू या शी माइट मीट यू, हो सकता है वो आपसे मिले. कब, कल, टुमारो. सो ही माइट मीट यू टुमारो या शी माइट मीट यू टुमारो, कि कल वो हो सकता है आपसे मिले या शायद वो कल आपसे मिले. सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, हो सकता है हम ये वाली गाड़ी खरीदें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन है, हम. सो वी. देन माइट, वी माइट. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर वर्ब क्या है, खरीदना. सो बाय, वी माइट बाय. ऑब्जेक्ट क्या है, खरीदना किस चीज को, ये वाली गाड़ी, दिस कार. We might buy this car. हो सकता है हम ये वाली गाड़ी खरीदें या शायद हम ये वाली गाड़ी खरीदें. लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, शायद वो आपको अपनी शादी पर दावत दें या हो सकता है वो आपको अपनी शादी पर दावत दें. सो इसके सबसे पहले हमने ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन है यहां पर, सब्जेक्ट कौन है, वो. अब वो ज्यादा है, दे. Then might, then verb क्या यहां पर, दावत दें यानी कि दावत देना, invite. They might invite. अब invite किसको है, करना है आपको, you यानी कि object. They might invite you, शायद वो आपको दावत दें. किसमें, अपनी शादी में, in their wedding. They might invite you in their wedding. शायद या हो सकता है वो आपको अपनी शादी में दावत दे. So students, ये हमारे might के positive sentences हैं. I hope so आपको इनकी समझ आ गई होगी. अब इनके negative sentences बनाना बहुत simple है, बहुत easy है. कि आपने simply करना ये है कि इसी structure के अंदर आपने might के बाद not लगाते हैं, right? Subject plus might plus not plus first form of the verb and then object, right? For example, शायद वो कल आपसे ना मिले, ठीक है? शायद वो कल आपसे ना मिले. He या she might, तो might के बाद not. She might not meet you tomorrow. हो सकता है वो कल आपसे ना मिले या शायद वो कल आपसे ना मिले. सेकेंड सेंटेंस है, हो सकता है हम ये वाली गाड़ी ना खरीदें, ठीक है? तो अब क्या होगा, वी माइट नॉट, वी माइट नॉट बाय दिस कार. तो अब देखिए नेगेटिव बनाना कितना मुश्किल काम है, सिंपली आपने माइट के बाद नॉट लगा दिया, दैट्स इट. कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं हमने की, कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं मारा, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है? सिंपली आपने मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है? अच्छा, they might, तो might के बाद not लगा दिया. They might not invite you in their wedding. शायद वो आपको अपनी शादी पर दावत ना दे. So students, ये है हमारा might modal verb. I hope so आपको समझ आ गई होगी. Again मैं आपको बता रहा हूं कि might का use हम करते हैं possibility के लिए और may का use भी possibility के लिए किया जाता है. So हम ये कह सकते हैं कि माइट जो है वो मे का अल्टरनेटिव है, ओके? अच्छा, अब यहां पर समटाइम्स स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर मे हम यूज कर सकते हैं तो फिर उसकी जगह पे आप माइट हमें किस लिए बता रहे हैं. तो इस सवाल का जवाब ये है कि देखिए माइट का जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, या ये मैं इसका जो यूज बता रहा हूं वो सिर्फ इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है जो बंदा आपके साथ इंग्लिश बोल रहे हैं
वो माइट का यूज करें। तो अगर आपने माइट का यूज नहीं पढ़ा हुआ होगा या आपको इसके यूज के बारे में नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या कहना चाह रहा है या इसका क्या मतलब है, राइट? तो जब आपने इसका यूज पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि इसका मतलब ये होता है और अगला बंदा मुझे ये चीज कहना चाह रहा है। ओके, अच्छा, अब मे और माइट के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा फर्क है। ओके, वो फर्क क्या है जरा उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सेंटेंस है कि शायद कल वो कॉलेज आए, सो ही मे कम टू कॉलेज टुमारो या ही माइट कम टू कॉलेज टुमारो। अच्छा, अब इन दोनों सेंटेंसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब हमारे किसी काम के करने के चांसेस ज्यादा हों तो हम वहां पर मे का यूज करते हैं, और जहां पर कोई काम करने के चांसेस कम हो वहां पर हम माइट का यूज कर लेते हैं, ठीक है? सो अगर शायद कल वो कॉलेज आए, अगर आने के चांसेस ज्यादा हैं तो हम मे का यूज कर लेते हैं, और अगर उसके आने के चांसेस कम हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम माइट का यूज कर लेते हैं। ओके, अच्छा, इसका एक दूसरा यूज भी है, और वो दूसरा यूज क्या है? इसका दूसरा यूज ये है कि अगर मुझसे किसी बंदे ने बात की और उसने मुझे बताया कि शायद कल वो कॉलेज आए, अब यही बात मैं आगे, यानी कि उसने मुझसे बात की और उसने मुझे क्या कहा, आई मे कम टू कॉलेज टुमारो, आई मे कम टू कॉलेज टुमारो। अब ये डायरेक्टली उसकी मेरे साथ बात हो रही थी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी उसके साथ फोन पे बात हो रही थी, उसने मुझे फोन किया और फोन करते हुए उसने मुझे कहा कि आई मे कम टू कॉलेज टुमारो, कि शायद कल मैं कॉलेज आऊं। अब यही बात मैं आगे किसी थर्ड पर्सन को बता रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि यार अमजद ने मुझे कॉल की और उसने कहा कि शायद वो कल कॉलेज आए, यानी कि अमजद कौन है, जिसने ये सेंटेंस मुझे बोला था, राइट? अब किसी के बारे में मैं किसी थर्ड पर्सन को बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अमजद ने आज मुझे फोन किया था और उसने मुझे बताया कि शायद वो कल कॉलेज आए। तो अब यहां पर मैं मे का यूज नहीं करूंगा, बल्कि क्या कहूंगा कि शायद वो कल कॉलेज आए, तो ही माइट कम टू कॉलेज टुमारो, राइट? तो यानी कि इसके दो डिफरेंसेस हैं। एक तो ये डिफरेंस मैंने आपको बताया कि अगर किसी काम के करने के चांसेस ज्यादा हो तो मे का यूज करें, और अगर किसी की काम करने के चांसेस कम हो तो माइट यूज करें। लेकिन मे और माइट अगर, यानी कि इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर मे की जगह माइट यूज हो गया या माइट की जगह मे यूज हो गया, यहां पर तो कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपने वरी नहीं करना। मैंने क्या कहा था स्टार्ट में कि मे का अल्टरनेटिव माइट है, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए, राइट? तो आप यहां पर इसकी जगह ये या इसकी जगह ये लगा देते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहां पर आपने ये चीज करनी है कि अगर आप किसी दूसरे के वर्ड्स को, यानी कि किसी दूसरे की बात को अपने अंदाज में या अपने अल्फाज में बयान करते हैं, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म कहते हैं, राइट? क्योंकि अभी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ पहुंचे नहीं है, इसलिए अभी फिर वक्त हम उसको टच नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा जस्ट टच दे रहा हूं कि जैसे हम डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म यूज करते हैं, कि डायरेक्टली जो हम अपनी बात खुद बोलते हैं, और इनडायरेक्टली मतलब किसी के बोले हुए अल्फाज को हम जो अपने अंदाज में बयान करते हैं। तो यानी कि अगर हम किसी दूसरे के बोले हुए अल्फाज को अपने अंदाज में बयान करेंगे तो उसके लिए फिर हम मे का यूज नहीं करेंगे बल्कि माइट का यूज करेंगे। आई होप सो आप लोगों को माइट का समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।